हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर इंफो। आज मैं बात करने वाला हूं कि सुजुकी मोटर्स में जो नौकरी करने के, जॉब करने के आपको तीन चार ऐसे फ़ायदे बताने वाला हूं जो आपको नौकरी करने से पहले कहीं भी आप जॉब करते हैं वो देखने ही चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना है और बीच में स्किप नहीं करना है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहेगी। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा फ़ायदा हम कह सकते हैं वो सैलरी का होता है, क्योंकि कहीं भी हम जॉब करते हैं, सरकारी या गवर्नमेंट में, सरकारी या प्राइवेट, बिजनेस करते हैं या कहीं भी मजदूरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम चोरी भी करते हैं तो वो भी पैसों के लिए ही करते हैं, क्योंकि पैसा बहुत महत्वपूर्ण है ज़िंदगी में। तो सबसे पहले तो सैलरी, जो कि लगभग सभी जगह तुम्हें मिलेगा, कंपनियां, सरकारी नौकरी, हर जगह आपको पैसा मिलेगा, तो ये तो एक कॉमन सी बात हो गई। दूसरा नाम आता है भविष्य, जो कि ये हर जगह नहीं होता है। और कोई भी आप काम करते हैं उसमें आपको सबसे पहले यही देखना चाहिए कि इसका करियर क्या है और इसमें कहाँ तक जा सकते हैं। तो सुजुकी मोटर्स में करियर यदि आपका बन जाता है, आप परमानेंट हो जाते हैं, तो भाई मुझे नहीं लगता है कि आप मतलब कहीं और भी जाना चाहोगे। बहुत ही अच्छी कंपनी है, इंडिया की शायद सेकंड नंबर की कंपनी है ये कार मैन्युफैक्चरिंग। अगर इसमें आप परमानेंट होते तो लगभग आपको 30 से 32 हज़ार रुपये सैलरी हो जाएगा तीन साल के बाद में। तो बहुत ही मतलब अच्छा रहता है करियर में, आपको कहीं भी पैसों के लिए भटकना नहीं पड़ता है। और जो तीसरा काम है इसमें चिकित्सा का, अर्थात मेडिकल, ये भी लगभग होता है, बहुत सी जगहों पर होता है, लेकिन कुछ आज भी ऐसी कंपनियां हैं जो मेडिकल की सुविधा नहीं देती हैं। बट सुजुकी मोटर्स गुजरात में आपको अच्छी मेडिकल की सुविधा मिल जाएगी, अंदर ही डॉक्टर बैठते हैं, और अंदर से ही यदि आपको प्रॉब्लम होता है तो तुरंत आप अपने सुपरवाइज़र को बताओगे तो तुरंत ही वो लेकर जाएंगे आपको डॉक्टर के पास, और तुरंत ही आपका ट्रीटमेंट होगा, दवाई मिलेगी आपको। तो ये अच्छी एक सुविधा होती है, मेडिकल की भी सुविधा होनी चाहिए, ये भी आपको देखना है कहीं भी जॉब करने से पहले। और जो चौथी चीज़ है वो सामाजिक सम्मान। हाँ भाई देखो, आप किसी छोटी मोटी कंपनी में नौकरी करते हैं जिसे कोई नहीं जानता है, या इसका कोई भी समाज में कोई ऐसा नहीं है कि जो उसे जानता हो, तो आपको सामाजिक सम्मान बहुत ही कम मिलता है। लोग कहते हैं कि ऐसी तो हज़ारों कंपनियां हैं, लाखों कंपनियां हैं और ये काम करता है, लेकिन जब आप किसी देश की टॉप कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या टॉप जगह पर काम करते हैं तो लोगों के मन में आपके प्रति एक अलग से सम्मान जागृत होता है और आपको लोग एक अलग नज़र से देखते हैं। तो ये होता है कि चाहे आप टॉपर हो या सरकारी टॉप जॉब कर रहे हो या सरकारी टॉप स्थान पर कर रहे हो, प्राइवेट टॉप स्थान पर कर रहे हो, तो उसका एक अलग ही बात होता है। चाहे स्पोर्ट से लेकर गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब से लेकर बिजनेस हो, तो जहाँ भी आपके नाम के आगे, आपकी पोस्ट के आगे टॉप लगेगा, आपके स्थान के आगे टॉप लगेगा, तो वो एक अलग ही चीज़ होती है। अभी आप कहो कि मैं भूटान में रहता हूँ, एक व्यक्ति बोले कि मैं USA में रहता हूँ, तो भाई दोनों में डिफरेंस होगा। तो USA वाले को लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, उससे सवाल करेंगे कि भाई कैसा होता है उधर। तो यही है कि जब आप टॉप जगह होते हैं तो आपको लोग एक अलग नज़र से देखते हैं। और जो सबसे लास्ट की बात मैं बताना चाहूँगा, जो सबसे लास्ट पॉइंट है, कि यदि भगवान ने चाहे किसी के साथ ऐसी घटना हो, लेकिन अगर कोई घटना घटित हो जाती है जहाँ आप काम करते हैं और जिसके लिए आप काम करते हैं, तो क्या वो संस्थान, वो जो संस्था है, जो जहाँ वो जहाँ आप कंपनी में काम करते हैं, वो कंपनी या वो जिस सरकार के अंतर्गत आप काम करते हैं, अगर गवर्नमेंट कंपनी है या
है, कोई गवर्नमेंट जॉब है, तो क्या वो सरकार या जहाँ भी आप बिजनेस करते हैं तो वो जो संस्था है, जो कंपनी है, वो आपके परिवार को कुछ सपोर्ट करता है या नहीं करता है? तो लेकिन आपको सुजुकी मोटर्स गुजरात में ये फैसिलिटी मिल जाती है कि अगर आपके साथ कुछ घटित हो जाता है तो आपके परिवार को ये सपोर्ट करते हैं। अब सपोर्ट में कितना धन राशि आपके घर वालों को मिलता है, तो सबसे पहले तो आपको 1.5 लाख अर्थात 1.5 लाख रुपए कंपनी की तरफ से दिया जाता है। ऊपर से आप सभी को पता होगा, अगर आपने सर्च किया होगा या पहले से, लगभग 10,000 कर्मचारी सुजुकी मोटर्स गुजरात में काम करते हैं और सभी के अकाउंट से 100 रुपये काटे जाते हैं उस मंथ की सैलरी से, और उसे दिए जाते हैं जिसके साथ घटना घटित हुई है, उसके परिवार को दिए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 100 रुपये के हिसाब से 10,000 कर्मचारियों के अकाउंट से जब काटे जाएंगे तो लगभग 10 लाख बनते हैं। तो कुछ जो सुपरवाइज़र हैं, मैनेजर हैं, उनके अकाउंट से ज़्यादा भी काटे जाते हैं और वो लोग ज़्यादा भी देते हैं जो HR डिपार्टमेंट के हैं, तो 10-11 लाख रुपये वो हो जाते हैं 1.5 लाख के, तो 12.5-13 लाख के करीब ये आर्थिक मदद करती है अपने कर्मचारी जिसके साथ घटना घटित हुई है उसके परिवार को। तो ये भी एक अच्छी बात है कि जहाँ आप काम करते हैं वहाँ के लोग आपके साथ घटना घटित होने के बाद में आपके परिवार को सपोर्ट करते हैं। तो भाई ये कुछ अच्छी जो फैसिलिटी है सुजुकी मोटर्स गुजरात की। वैसे कोई खाना का बताएगा कि भाई खाना मिल जाता है इस कंपनी में, PF होता है, तो लगभग ये तो हर कंपनी में होती हैं, ये कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, तो ये तो हर जगह होती है, सुजुकी में भी है। तो यही होता है, एक सामाजिक सम्मान भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि सम्मान भी हर कोई पाना चाहता है। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो ये चाहता हो कि यार मुझे अपमान मिले, मैं सम्मान पाना नहीं चाहता। हर किसी का इच्छा होता है कि सम्मान मुझे मिले, और सम्मान और पैसों से कभी आदमी का मन नहीं भरता, दिल नहीं भरता, जितना ही मिलेगा उतना ही वो और चाहेगा कि और मिले। तो जब आपको आपके दोस्तों से कुछ अलग हट के लोग देखते हैं तो वो एक फीलिंग अलग होती है। तो यही थे कुछ 5 जो टॉप फैसिलिटी मैं बोल सकता हूँ सुजुकी मोटर्स गुजरात की। तो यही है, और लोग का देखने का तरीका अलग अलग होता है, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सोचता है। तो आप क्या सोचते हैं वो आपकी सोच पे निर्भर करता है, और ये कहा भी जाता है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। तो यही था, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है तो मैं सबसे पहले इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देता हूँ। वीडियो में लेट भी हो जाता है, वो जो पहले से भाई जुड़े हुए उन्हें सभी को पता है कि किस लिए लेट हो जाता है। तो यही है, इंस्टाग्राम पर बहुत ही जल्दी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है मिल जाता है। तो इंस्टाग्राम से अगर आप जुड़ते हैं तो एक यही फ़ायदा है और कुछ खास फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको समय से मिल जाती है। बहुत से भाई जुड़े हुए हैं, तो यही था कुछ। वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर कहूँगा लाइक कर दीजिए, और कमेंट में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, उसका रिप्लाई करूँगा। इंस्टाग्राम पर क्या होता है कि मैं पूरी जो आपकी समस्या होती है पूरा सुनता हूँ, चैटिंग करके आपको बताता हूँ, और कमेंट बॉक्स में बहुत से मैसेज आते हैं, बहुत कमेंट आते हैं, तो उनमें भाई किसी किसी का छूट भी जाता है। तो यही एक इंस्टाग्राम का फ़ायदा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत, वंदे मातरम।